औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। ये आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी भिंडी। ये आधा किलो भिंडी मैंने ली, इसको अच्छे से धो के काट लिया है। ये चार दाने टमाटर है, ये हल्दी है, ये लाल मिर्च है, ये कटी हुई हरी मिर्च है, ये धनिया है गार्निश के लिए, ये नमक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चले कुकिंग शुरू करते हैं। ये मैंने ऑयल डाला आधे कप के बराबर, इसमें भी मैं ज़रा से गर्म हो जाए तो इसमें भिंडियाँ डालूँगी। बिस्मिल्लाह, अच्छे 10-15 मिनट फ्राई हो जाए। ये आप देखिए, ये अच्छे से भिंडी फ्राई होगी। अभी मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी, अभी मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। ये बिल्कुल भी लेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, बड़ी मज़ेदार सी भिंडी बनेगी। ये मैंने भिंडी निकाली फ्राई करके, अभी मैं मसाला इसका तैयार करूँगी। इसे घी में जिससे भिंडी फ्राई की, इसमें टमाटर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, टमाटर अच्छे से जब गल जाएंगे तो इसमें ये टमाटर गल जाएंगे, इसमें भी अच्छे से ये देखें, ये हल्दी डाल दी मैंने चम्मच। ये दो चम्मच लाल मिर्च डाल दी, इसमें 8 से 10 दाने ग्रीन मिर्च कटी हुई डाल दी, नमक हसबे जायका, कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से भून लूँ मसाले को, तो फिर आपको मैं बताती हूँ। बाद में भिंडियाँ डाल दूँगी, एक 10 मिनट दम के लिए रखूँगी इंशाल्लाह। जी मैंने अभी ये देखिए भिंडियाँ डाल दी, मसाला भून गया, ये अभी 1-10 मिनट के लिए इनको मैं दम पर रख दूँगी, ये फिर तैयार है। बस भिंडियाँ बहुत मज़ेदार, बहुत जायके वाले। जी आप देख लें, ये माशाल्लाह से भिंडी तैयार है, बहुत ही करारी और मज़ेदार और चटपट भिंडी तैयार है। और आप इसको चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, चटनी के साथ बहुत मज़ा देती है। जी अभी मैं इसको डिश शॉर्ट करूँगी और ये हमारी भिंडी तैयार है। इंशाल्लाह आपको भी मैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगी। इसके साथ ये चटनी है नियाज़बो और पुदीने की, और थोड़ा सा इसमें मैंने दही मिक्स किया है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बनानी भी सिखा दूंगी। ये भिंडी के साथ बहुत मज़ेदार लगती है, चपाती के साथ, नान के साथ आप खाएं। अल्लाह हाफिज़।